अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ये टॉपिक जो क्लास 4 की मैथमेटिक्स से है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये प्राइम नंबर्स किसने फाइंड आउट किए थे, बिटवीन 1 to 100, या इसके बारे में किसने ज़्यादा बात की थी। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसका नाम है एरिटोस्थीनेस। एरिटोस्थीनेस, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द करेक्ट, बट यही इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये बंदा है जिसने इसके बारे में बात की। अब हम आ जाते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ, ठीक है, कि हम प्राइम नंबर्स बोलते किसको हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड हो सके या 1 से डिवाइड हो सके। मतलब अ नंबर, ठीक है, विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1 और इट सेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। या 1 से डिवाइड हो सके या अपने ही आप से डिवाइड हो सके। तो जो नंबर्स हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम 1 to 100 से देखें तो 1 और 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हमको मिलते हैं। और उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, एक नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं, ऑड हैं। और एक नंबर जो ऑड नहीं है वो है 2, विच इज़ दी प्राइम नंबर बट इट्स नॉट ऑड, वो इवन नंबर है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इसमें पूरे में ये बताया हुआ है कि देयर इज ओनली 1 प्राइम नंबर दैट इज इवन, ऑल द अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। और कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? वो नंबर जो विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर्स। मतलब वो अपने आप से तो डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ भी हो रहा है, लेकिन और भी उसके नंबर्स हैं जिनके साथ वो डिवाइड हो रहा है, तो वो आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। मतलब प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो आपके सारे कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। और बाकी जो 1 है, अगर हम 1 को देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 क्या है, आइदर इट्स कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसकी एक स्पेशल टाइप है जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बातें थी। अब आगे हैं कि यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है, ठीक है, और यहाँ पे कंपोजिट नंबर की पूरी डेफिनेशन है। अब हम आ जाते हैं एग्जांपल की तरफ, कि जैसे इन्होंने कहा है कि 4 अगर हम ले लें तो 4 कैन बी डिवाइडेड बाय 1, 2 एंड 4, ठीक है। मतलब 1 भी है, 2 भी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे 37 का बताया है। तो 37 को देखें तो उसमें डिवाइजर्स 2 हैं, 1 और 37 हैं, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 42 का देखें तो 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी, 6 भी, 14 भी, 12 भी, तो ये 42 भी, तो ये मोर देन 1 जो है इसके डिवाइजर्स हैं, तो ये आपके कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। ये हम जब एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं हम। आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर ही बता दूँ कि डिवाइजर्स हम बोलते किसको हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि हमने सिंधी उर्दू में पढ़ा हुआ होता है, तो इंग्लिश में हमें अब आदत डालनी होगी इन चीज़ों की। तो जो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर, वो आपका होता है डिवाइजर, ठीक है। और जो अंदर नंबर होता है वो उसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड। जो ऊपर जिसको हम आंसर कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं क्वेश्चन, और जो नीचे हमारा जितना बचता है हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब हमें आइडेंटिफाई करने के जितने नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है 22 को देख लेते हैं। अब 22, इसके तो दो हैं, एक 1 हो गया और एक अपना 22, लेकिन चिकन से जाया करें। आपने देखा 1, 2 में देखें, तो इसका 2 के साथ ये पूरा पूरा ये जो है डिवाइड हो सकता है। आप इसको करके देखें, 22 अंदर रखें, 2 बाहर रखें, 11 टाइम आपका हो जाएगा, ये आपका 0 आएगा, तो मतलब 2 के साथ भी जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चले हम 3 की तरफ जा ही नहीं रहे, हम यहाँ से या 3, 4, 5 या 11 तक जा ही नहीं रहे, आगे जा ही नहीं रहे। हमें यहाँ से पता चल गया कि 2 जो है
वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको काटा कर रही हूँ, जहाँ पे निशान होगा इसके साथ समझ जाइए ये नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे 41। 41 जो है हमारा प्राइम नंबर है, ये आप देख लें 2 में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा। आप ये इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, आप 2 के साथ करें तो 2 2 4 1 बचेगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 के साथ फिर डेसिमल देखा, फिर 0, फिर आ जाएगा पॉइंट। तो इस तरीके से ये नहीं, पूरा पूरा जाना चाहिए, डेसिमल ना आए। तो 41 इज़ नॉट अ, ओ सॉरी, 41 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, इसको आपने टिक कर दिया। 61 यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पे 63 का टेबल जा रहा है, 63 पे 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। आप इस तरीके से करके देखें, आपको इस तरीके से, ठीक है, 3 का जो 3 2 6, ठीक, और 3 और 3 1 3, 21 को हम जब 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा इसका आ जाएगा, मतलब 63 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद हम 51 की तरफ आ जाते हैं, और आप देखें कि 51 को आप करके देखें 1 के साथ, 2 के साथ तो चलो नहीं हो रहा, अगर हम इसको मैं कर रही हूँ 51 को मैं 3 के साथ करके देख रही हूँ, 3 1 3, 2 इस तरफ चले, 2 1 इस तरफ आ गया, तो 7 टाइम करूँगी, 7 3 21, तो 17 को मैं जब 3 के साथ कर रही हूँ तो 51 पूरा पूरा जा रहा है। तो इस हिसाब से जो 51 है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 81 भी नहीं है। आप इसके इस पे 3 का टेबल भी जा सकता है, इसमें 9 का जा रहा है, तो 81 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, बुक के आप पीछे आंसर में देखेंगे तो 81 आप वहाँ पे शो कर रहा है कि ये प्राइम नंबर है, तो कभी कभी बुक्स में मिस्टेक्स होती हैं, तो आप अपनी खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 119। 119 पे 7 का टेबल जा रहा है, 7 को 17 टाइम आप करेंगे तो ये आपको पूरा पूरा जाएगा, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। 223 ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 जो है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, इसको स्पेशल है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको प्राइम नंबर कंसीडर हम नहीं करेंगे। 101 ये प्राइम नंबर है, और 222 इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये जो एक्सरसाइज थी 2.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इनमें से हमें देखना है कि कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं। तो आप 34 देखें, 34 के एक से ज़्यादा डिवाइडेंड है, तो ये जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इसमें 2 का टेबल में भी आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये पूरा पूरा इसके साथ जा रहा है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे डिवाइडेंड। 71 इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, जो कंपोजिट नंबर है उसको मैं सर्कल कर रही हूँ, तो यहाँ से आप, और जो नहीं है उसको मैं इसे क्रॉस का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा 163 जो है प्राइम नंबर है, आप करके देखिएगा, इसको डिवाइड करके देखें, आपको और नहीं मिलेगा 1 और इट्स सेल्फ 163। उसके बाद है 351, ये जो है 351 ये कंपोजिट नंबर है, इसमें 3 का टेबल जा रहा है, 3 1 3 3 1 3, 2 1 की तरफ चला गया, तो ये हो जाएगा 21 पे 7 का टेबल, आई मीन 3 7 27, तो 3 का भी जा रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 81 यहाँ पे तो कंपोजिट नंबर है, 9 9 81 हो जाएगा, तो 9 की टेबल जा रही है, 3 की टेबल जा रही है इस पे। उसके बाद आ रहे हैं हम जी 19 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 23 जो है, 23 अगेन इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। 100 जो है ये कंपोजिट नंबर है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आ रहा है, ठीक है, इवन 4 की टेबल में आएगा, 4 8 4 2 8 2 4 5 20, ठीक है, और इस हिसाब से 100 जो है कंपोजिट नंबर है। 18 अगेन, 18 इज़ अ कंपोजिट नंबर, 2 की टेबल में, 9 की टेबल में आ रहा है, 135 अगेन इट्स अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये जी हमारे हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सेपरेट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसको हम कर रहे हैं, यहीं पे कर लेते हैं हम। अच्छा, जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको मैं
रेड के साथ सर्किल करूंगी और जितने कंपोजिट नंबर हैं उनको मैं ब्लू के साथ सर्किल करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 1, 41। 41 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये सिर्फ आप आंसर ना देखें, इसको आप करते भी जाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। उसके बाद 42, 42 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा 42 जो है, 42 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। 43 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 43 प्राइम नंबर है। 44 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 45 प्राइम नंबर नहीं है। 3 की टेबल में, 3 की टेबल उस पर जा सकती है। 46 इज़ अ प्राइम नंबर, नहीं 46 भी प्राइम नंबर नहीं है। 47 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। इस हिसाब से 48 प्राइम नंबर नहीं है। 49 प्राइम नंबर नहीं है। 50 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 की टेबल्स पे आराम से जा रही है, ठीक है। तो बाकी जो नीचे वाली लाइन है वो आप आंसर जो है आप अपने शेयर कीजिएगा कमेंट में लाजमी, ताकि मुझे पता चले कि आपको इसका आंसर आ रहा है नहीं। बाकी जितने ये ऊपर वाले हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। मतलब बाकी जो नीचे वाली लाइन है ये आपने खुद करनी है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से करना है। आपने देखना है कि 2 की टेबल्स पे लग रही है नहीं लग रही, 3 की लग रही है नहीं लग रही है। आप आगे तो फिर बाद में जाएं, आप पहले ये करके देख लें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। मतलब 1 एंड 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो इट्स ईजी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 के बाद आ जाते हैं 12 नहीं है, 13 है, 13 के बाद आ जाते हैं 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, ठीक है, 17 है और एट द एंड 19 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 और 20 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स हैं, वो ये हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 30। इट्स ईजी, ये आप खुद कर सकते हो। और इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 भी, इट्स रियली रियली ईजी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने आंसर ज़रूर कमेंट में शेयर करें, जो मेरे ऊपर एक लाइन छोड़ी है ये वाली, ठीक है, इसके आप आंसर शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी फीडबैक, आइदर इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को मैं वेलकम करती हूँ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, और उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी नहीं लग रही, इफ़ यू वांट कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो वो भी सजेशन ज़रूर बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।